वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास एट्थ के लिए। क्लास एट्थ में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये वीडियो हम उस चैप्टर के लिए लेके आए हैं। देखो, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स होता क्या है। देखो, एक्सपोनेंट्स क्या है, जो पावर होती है उसी को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। जैसे हमने अर्लियर क्लास में, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा होगा कहीं पर कि 3 की पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि ये जो 5 ऊपर है इसको ही हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं और पावर बोलते हैं। इसी को एक्सपोनेंट्स भी बोल देते हैं, पावर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 है इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 है, ये जो 5 है ये होता है आपका एक्सपोनेंट्स, ठीक है, और पावर, और इसको हम पावर भी बोलते हैं। ये जो 3 होता है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। ये जो 3 है ये बेस होता है, और ये जो ऊपर जो पावर है इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। चलिए, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। इसके फॉर्मूले क्या हैं, देखो। सबसे पहले मान लो कोई नंबर है कि a की पावर m × a की पावर n, ठीक है, यानी कि जो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है a की पावर m + n, यानी कि बेस वही रहेगा और इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि a की पावर m / a की पावर n। देखो, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, बेस सेम है तो बेस आएगा, और मल्टीप्लाई में ऐड होता है, डिवाइड में क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, m > n, यानी कि m जो है वो n से बड़ा होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, मान लो a की पावर m / n है, यानी कि पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m / n, यानी कि यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है, मान लो ये a की पावर m, ठीक है, b की पावर m अगर हम कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं a / b की पावर m, ठीक है। चलिए, मान लो a की पावर n है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 / a की पावर -n, ठीक है, ठीक है। a की पावर n को हम 1 / a की पावर -n लिख सकते हैं, या इसको हम दोबारा से ये लिख सकते हैं a की पावर n। इतना ही है, इसमें यही फार्मूलेज हैं और इसमें कोई फार्मूला नहीं है। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं हम। एक्सरसाइज है 10.1। इसका चैप्टर नंबर जो है, ये बुक है मनजीत सिंह, मैथमेटिक्स की बुक है ये, मनजीत सिंह का चैप्टर है 10, एक्सपोनेंट्स। तो एक्सरसाइज है 10.1, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1, क्लास है 8th। क्वेश्चन नंबर 1 इसने दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, फर्स्ट वाला जो पार्ट दिया है ये इसने दिया है 2 की पावर -3। तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -n, ठीक है। और a की पावर -n क्या होता है, a की पावर -n, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर -3 = 1/a, क्या है हमारा 2, और n क्या है हमारा 3, तो ये आ जाएगा 1/2 × 2 × 2, यानी कि 1/8, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, 5 की पावर 0 + 3 की पावर -2। देखो, ये 7th क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर है या वेरिएबल्स है, अल्फ़ाबेट भी कोई है, अगर उसकी पावर भी 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए, तो 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, + 3 की पावर -2। देखो, ये जो फॉर्मेट है ये यही आ गया, a की पावर -n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3 = 9,
अब इसको ऐड कर देंगे तो 9 LCM आ गया, यानी कि 9 प्लस 9 से 9 खत्म हो जाएगा 1, यानी कि 10/9। तो ये सेकंड वाले का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड और फोर्थ आपको करने हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। इसने बोला है सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट में सिंप्लीफाई में क्या है कि -3 की पावर -10। ठीक है, चलिए तो -3 की पावर 5 है इंटू -3 की पावर -10 है। तो देखो ये तो a की पावर -n हो गया, तो इसको तो हम -3 की पावर 5 ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-3 की पावर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि a की पावर जो माइनस एन है वो होता है a की 1/a की पावर n। ठीक है, तो 1/a क्या है हमारा, -3 है, और n कितना है हमारा, -10 था, तो नीचे आके क्या हो गया, वो 10 हो गया। चलिए अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 × -3 × -3 × -3 × -3 × -3 5 टाइम अपॉन, ये मल्टीप्लाई में 1 है तो अपॉन में क्या आएगा, -3। देखो इसको हमें इतना भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी चलो हम कर देते हैं, -3 × -3 × -3 × -3 × -3 × -3 1, 2, 3, 4, 5 तो ये आ गए, इंटू इसको हम लिख सकते हैं -3 की पावर 5। हम यहाँ लिख सकते हैं 5 यहाँ पर। आप देखो ये सब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया इससे, तो बचा क्या है यहाँ पर, 1/-3 की पावर 5 बचा है बस। इसको आगे आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/-3 की पावर 5 एंड -3 × -3 × -3 × -3 × -3 ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243। तो 1/-243 ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है Express 4 की पावर -3 as a power with 2। 4 की पावर -3 as a power of 2, यानी कि 2 की पावर में हमें इसको लिखना है। देखो 2 की पावर में लिखने का मतलब है कि हमें बेस 2 चाहिए, और बेस कितना है यहाँ पर, 4 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है, की पावर माइनस थ्री। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 की पावर -3 हो गया। चलिए देखो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये आ गया a की पावर m की पावर n। ये क्या होता है, a की पावर m n, ये m हो गया, ये n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × -3, तो 2 की पावर -6 बस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 की पावर 3 / 2 की पावर 7 / 2 की पावर -5। चलिए देखो यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ क्या आ गया कि a की पावर m / a की पावर n, क्योंकि बेस सेम है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m - n। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 की पावर m - n, यानी कि m कितना है, 3 - 7, ठीक है, × 2 की पावर -5। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर कितना आ गया, -4 × 2 की पावर -5। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट आ गया, यहाँ आ गया a की पावर m × a की पावर n, जो क्या होता है, 2 की पावर a की पावर m + n, यानी कि पावर ऐड हो गई, तो -4 + -5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -9। ठीक है, -4 और -5 कितना हो गया, -9 हो गया। चलिए नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट है कि 1/8 इंटू 3^-3, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है, 1/8 इंटू 3^-3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा, ये a^-n हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a^n, ठीक है। तो 1/8 इंटू 1/27, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/216, ठीक है। अब देखो 216 के अगर हम फैक्टर कर दें, 216 के अगर फैक्टर करें, 2 1 2 108 आएगा, फिर 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा, देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पेयर अगर हम देखें, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 इंटू, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको हम लिखेंगे 1/6^3, या इसी को लिख सकते हैं 6^-3, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट है इसका, तीन पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 2^0 + 3^-1 इंटू 3^2। चलो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी वैल्यू है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, कोई भी नंबर है या वेरिएबल है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। प्लस 3^-1 का मतलब हो गया 1/3, क्योंकि a^-n, ये क्या है, a^-n, जिसको हम बोलते हैं 1/a^n, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है इंटू 3^2, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा 4/3, क्योंकि 3 LCM आ जाएगा, 3 LCM है तो 3 + 1 इंटू 3^2, तो ये आ गया 4/3 × 3^2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 × 3 × 3, क्योंकि 3^2 है, 1 3 से 1 3 कैंसल आउट, तो 4 3 जा 12, हो गया सॉल्व। चलिए बाकी तीन पार्ट है इसमें, दो पार्ट हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट, यहाँ भी इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट में दिया है 27^-1 इंटू 5^3/3^-4। चलिए इसको देखो, 27 a^-n है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से देख लें, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3^3^-1 इंटू 5^3, और ये है 3^-4। अब देखो ये m इंटू n हो गया, यानी कि 3^-3 हो गया, इंटू 5^3 हो गया, अपॉन 3^-4, यहाँ 3^-3 है, 3^-4 है, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं −3 × −3 × −3 इंटू 5 × 5 × 5 अपॉन −3 × −3 × −3 × −3, ठीक है, नहीं ये माइनस की वैल्यू नहीं है, पावर में माइनस है, पावर में माइनस है, तो इसको हम जो है ना ऊपर लेके जाएंगे, ये 3^-3 है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3^4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5^3। तो देखो 3^3 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, ये आ गया a^m × a^n, जिसको हम लिख सकते हैं a^m + n। तो a क्या है, 3, तो 3^-3 + 4 इंटू 5^3, तो ये 3^ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि −3 है, प्लस का 4 है, तो 3^1 क्या हो गया, 3 हो गया, इंटू 5^3 होता है 125, मल्टीप्लाई कर दो,
375। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो होमवर्क है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का दो पार्ट है इसमें भी। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है, मिड ब्रैकेट दिया है 1/3, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/5, 1/5 की पावर -1 और ब्रैकेट क्लोज -1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाले। चलिए यहाँ अगर इसकी बात करें तो ये 1/3 की पावर -1 है, a की पावर -n होगा। तो a की पावर -n का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 आ गया। 3/1 क्या होगा, 3 होगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और इसकी पावर है -1। तो ये कितना बचा, ये आया आपका -2 की पावर -1। तो -2 की पावर -1 है, -1 है तो क्या हो जाएगा, 1/-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, वो होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में भी दो पार्ट हैं, एक कराते हैं एक होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 का फर्स्ट पार्ट दिया है कि 4 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। ठीक है, देखो पावर -1 है तो अपॉन में आ जाएगा, यानी क्या होता है, a की पावर -n होता है 1/a की पावर n, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर -1 है। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 है। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1/12 की पावर -1 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। देखो ये -1 है तो पलटे गए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 है। ठीक है, तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब 1/5 है, देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको 5 को अगर ऊपर ले जाएं तो यहाँ साइन हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि 12 × 5 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60, तो 60 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई, यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है। इसका अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें तो फर्स्ट पार्ट दिया है 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -2। सेम वही करना है, ब्रैकेट ओपन करना है पहले। तो चलिए यहाँ से हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये कितना बचा, 1 डिवाइडेड बाय 16, तो ये क्या आ जाएगा 1/16। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू, यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। टू पार्ट गिवन है इसमें, एक ही पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक आपको करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/25 की पावर -4/3। ठीक है, चलिए देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम वन इसको देखें 1/25, इस वाले को देखें हम, तो 1/25
को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, क्योंकि 125 को के अगर हम फैक्टर करेंगे तो काटेंगे तो क्या होगा, 25 टाइम, और फिर 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, तो 5 की कितनी पावर आ गई, 1, 2, 3, तो 5 की पावर 3 की पावर -4/3। अब देखो ये क्या फॉर्मेट बन गया, ये बन गया ए की पावर एम की पावर एन, जिसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन, ये एम है ये एन है पूरा, तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 3 इंटू -4/3। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो 5 की पावर -4। इसके बाद आता है यहाँ पर ये 5 की पावर -1/5 की पावर 4, यानी कि 1/5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1/625। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है इवेलुएट, इवेलुएट करना है इसको भी, 5 की पावर 0 × 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/3। ठीक है, 5 की पावर 0 कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो क्या होता है 1 होता है, इंटू 4 की पावर -1 यानी कि 1/4 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा ये 1/4 और डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/3। ठीक है, चलिए डिवाइड है तो हम इसको देखें तो ये 1/4, ठीक है, अब ये है डिवाइड, ठीक है, अब डिवाइड में होता क्या है, अगर हम बेस बेस सेम कर ले, दोनों का बेस सेम कर ले तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। चलिए पहले तो हम इसको यहाँ से देख लें कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है 1/3, क्योंकि 2 × 2 = 4 × 2 = 8 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 × 1/3, तो ये 3 से 3 ख़त्म हो गया, तो 1/4 / 2 आ गया। ठीक है, तो 1/4 को अगर डिवाइडेड करेंगे 2 से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि 1/4 × 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी ये है 3x² है -3 × x⁻⁹ 2/3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये x की पावर m की पावर n हो गया ये भी, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 3x² × क्या आ जाएगा -3, ठीक है, इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं x⁻⁹ 2/3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3x की पावर, देखो 3 की पावर भी है ये -3, तो ये तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 और x⁻⁶, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम, तो x³ 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई की अगर बात हम करें तो यहाँ से देखो ये 3 की पावर -3 x⁻⁶ × x⁻⁶ है, x⁻⁶ × x⁻⁶ है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁶ + 6, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये क्या बचा 3 की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, इसी को 1/27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 की पावर, ये 13 इसी टाइप से है, ये 13 आपको करना है, 14 करना है, 15 करना है, ठीक है, और जो जो डाउट होगा वो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लोगे। इसके बाद आता है 16, हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है 1/4 की पावर -2
माइनस 3 इंटू 8 की पावर 2 बाई 3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 9 अपॉन 16 की पावर माइनस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करना है, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये 1 अपॉन 4 की पावर माइनस 2 ही है, माइनस 3 इंटू, देखो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3, 4 की पावर 0 तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 3 अपॉन 4 की पावर 2 की पावर है माइनस 1 बाई 2, क्योंकि 3 जो 9 हो गया, 4 जो 16 हो गया। अब यहाँ से हम देखें माइनस क्या है, माइनस 2 है पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 की पावर माइनस 2, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया, तो 3 इंटू ये कितना 2 की पावर 2 इंटू क्या होगा 4 प्लस, अब यहाँ से देखें तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 पावर है, तो ये पलट जाएगा तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 की पावर माइनस 2 है, 4 की पावर माइनस 2 का मतलब होगा अगर हम पावर को प्लस में कर लें तो ये क्या है माइनस 4 की पावर माइनस 2 है, अगर ये पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जब पावर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, माइनस 4 3 जा 12 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये तो क्या होगा 16 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 3, तो यहाँ से 3 एलसीएम आ गया, 16 3 जा 48, 12 3 जा 36 प्लस 4, 48 और 4 52 माइनस 36 अपॉन 3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12 में से 6 6, 4 में से 3 1 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 16 अपॉन 3। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इसने सिंप्लीफाई बोला, सिंप्लीफाई 9 की पावर 5 बाई 2 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 81 की पावर माइनस 1 बाई 2। चलिए तो 9 की पावर 5 बाई 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 बाई 2 माइनस 5 की पावर 0 तो क्या होगा 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, ठीक है, इंटू पावर माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 5 माइनस 3 और माइनस, देखो 9 की पावर 1 अपॉन 9 की पावर 2 है की पावर है माइनस 1 बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 की पावर 2 की पावर माइनस 1 बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 9 की पावर माइनस 1, अब 9 की पावर माइनस 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 9, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81 3 जा 243 माइनस 12, तो 3 में से 2 1 4 में 3 और ये 231 इसका आंसर आ गया, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट आता है 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 वैसे आसान है, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ नहीं है, 18 करना है, 19 होमवर्क है, 20 में एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। उसके बाद 21 है, राइट ईच एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन में लिखना है, और इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन को क्या करना है, इवेलुएट करना है। यहाँ पर 5 अंडर रूट 25 दिया है, माइनस 3 की पावर 3 अंडर रूट 125, और थर्ड वाला दिया है 5 अंडर रूट 32 अपॉन 243। चलिए इसको 22 को हम करते हैं, इसके बाद बाकी आपका होमवर्क है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसको आप ग्रुप पे छोड़ोगे, जो भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
कुछ आपके लिए भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। तो बाकी क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं जो पार्ट, वो आपको करने हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट। इसमें फर्स्ट पार्ट है कि 5√25, इसको इवेल्युएट करना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, 5, और इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। देखो रूट से कोई भी नंबर तभी बाहर आएगा जब उसका पेयर बन जाता है। तो ये पेयर बन गया तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो है ही और अंदर से 5 एक बाहर आ गया, तो 5 5 जो कितना हो गया, 25। ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट, आप ही को करना है इसमें। चलो सेकंड भी करके बता देते हैं। सेकंड पार्ट है -3, उसके बाद है क्यूब रूट। देखो इस 3 में और इस 3 में अंतर होता है, ये क्यूब रूट है। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट में 2 होता है बट हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 हमें लिखना होता है, यहाँ क्या है हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं, यहाँ हमने 2 के पेयर बनाए। यहाँ जितना नंबर होगा उतने ही के ही हमें पेयर बनाने होते हैं। चलिए इसके बाद अंदर है इसमें 125, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3, और क्यूब रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 3 है तो 3 का ही पेयर बन गया हमारा, तो -3, ठीक है, × 5, तो 5 × 3 = 15, यानी कि -15 आ गया। चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट है 5। देखो ये रूट की जगह है 5 यहाँ पर, 32/243, यानी कि हमें 5 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, पेयर जो है 5 का बनाना पड़ेगा। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8 × 16 × 32, ऐसे हम नीचे 243, ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 81 × 3 = 243 होता है, बन गया ये भी 5 का, बन गया ये भी 5 का। तो रूट, ये रूट हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए इतना ही है इस एक्सरसाइज में, बाकी जितने भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जो नहीं आता है वो आपको क्या करना है, ग्रुप पे मैसेज छोड़ना है उसी क्वेश्चन के लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें और बता देता हूँ, शायद आपको ये टफ लगेगा। 19 का फर्स्ट पार्ट बता, दो पार्ट है इसमें, सेकंड आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, और मुझे कुछ इसमें टफ लग नहीं रहा इतना कि आप नहीं कर पाओगे। यह है 4^2x+5 = 64। तो यहाँ हमें x के लिए इसको सॉल्व करना है। x के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ इधर और इधर बेस सेम कर लें, ये तो हम लिख सकते हैं 4^2x+5, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4^3, ठीक है, क्योंकि 4 4 = 16, 16 4 = 64 होता है। देखो बेस सेम है दोनों तरफ, अगर हम इसको कंपेयर कर दें यहाँ से, कंपेयर करने पर क्या आएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 4 तो 4 के इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग, ठीक है, तो 2x+5 = 3, तो 2x = क्या हो जाएगा, 3, ये 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x = -2, तो x = -2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यही इसने पूछा है कि एक्स की वैल्यू के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, जो नहीं आएगा वो आपको ग्रुप पे मैसेज कर देना है, वो हम बता देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज हमारी क्या फिनिश हो चुकी है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड डे, थैंक यू।